अस्सलाम वालेकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। मोटरसाइकिल सवार ने की ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी और तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा गया। मोटरसाइकिल पर सवार खातून बुरी तरह हुई हादसे का शिकार। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी से अपना और अपने घर वालों का रखें ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुआवने ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने मौजूदा मुल्की हालात और कोरोना वबा के पेशे नज़र अटक का दौरा किया। DPO अटक सैयद खालिद हमदानी ने कोरोना वबा के खिलाफ आगाही मुहिम और इकदाम पर ब्रीफिंग दी। ज़ुल्फ़ी बुखारी ने DHQ हस्पताल अटक और करंतीना सेंटर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज अटक का दौरा भी किया। उन्होंने अटक पुलिस और ज़िले इंतजामिया के इकदाम को सराहा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहारी एहसानुल्लाह चौहान का तबलीगी मराकज और करंतीना सेंटर्स का दौरा। कोरोना वायरस के हवाले से हिफाजती इंतजामात और ड्यूटी की चेकिंग। इस मौके पर तबलीगी मरकज की इंतजामिया ने पुलिस और इंतजामिया के साथ हर किस्म के तआवुन की यकीन दहानी करवाई। करंतीना सेंटर्स पर भी सहूलियात पर मरकज की इंतजामिया ने इत्मीनान का इजहार भी किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा उमर सईद मलिक ने दफा 144 पर अमल दरामद के हवाले से शहर भर के दौरे किए। DPO बैंक के सामने खुद शहरियों को समाजी फासलों से मुतालिक आगाह करते रहे। बहावल नगर पुलिस कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अवामी खिदमत में भी पेश। थाना घमंडपुरा पुलिस ने अपनी मदद आप के तहत तबलीगी जमात के अफराद में राशन तकसीम किया। इस मौके पर SHO थाना घमंडपुरा का कहना था कि पुलिस कोरोना के खिलाफ डटकर खड़ी है और अवामी खिदमत के लिए भी भरपूर किरदार अदा कर रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि मुखय्यर हजरात ज़रूरतमंद अफराद के साथ तआवुन करें। पुलिस हमा वक्त आपकी हिफाजत और खिदमत के लिए मैदान अमल में है। ये थी हफ्ते की खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.psca.tv।